वक्त, ये एक ऐसी पहेली है जो शायद आज तक मैं सुलझा नहीं पाया। ये वक्त जो हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर चुनौती दे रहा है। इस कहानी में सारे किरदार काल्पनिक हैं सिवाय एक के, वक्त। लोग कहते हैं कि जिस चीज़ की हम कदर करते हैं, वक्त हमें उस मंजिल तक पहुँचा ही देता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम वक्त की कदर ना करें तो वक्त पानी की तरह बह जाएगा और साथ हमारी मंजिल को भी ले जाएगा। आज के इस दौर में रिश्तों को शायद जेब में पड़े एक स्मार्टफोन से तोला जाता है। आज के लोगों के लिए इंस्टाग्राम ही दूरदर्शन है, जिसके लिए कभी लोग हफ्तों तक इंतज़ार करते थे। मेरी दादी मुझसे कहती थी कि वक्त सिर्फ उनकी कदर करता है जिनकी कदर करना हम भूल जाते हैं। पापा कहते हैं कि रिश्ते हमारी कहानियाँ बनाते हैं, छोटे छोटे रिश्ते, दिल्ली वाली मौसी, लखनऊ वाले चाचा और घर वाली माँ। आजकल कदर करने की अहमियत सीख रहा हूँ, बेशक इस घड़ी की वजह से। हम सब ख्याल तो रखते हैं, पर ध्यान से ख्याल रखना भूल जाते हैं। हमारा एक कदम इस वक्त को बदल सकता है। ये तो आपको देखना है कि आप वो कदम लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि आपकी कहानी में बाकी सारे किरदार काल्पनिक हो सकते हैं सिवाय एक के, वक्त। चूल्हा जलाती जो माँ है मेरी, ताके जो रा थकी निगाह, कैसे मैं छोड़ के जाऊँ कर।